यह है दोस्तों दुनिया का सबसे खाली देश, वर्ल्ड्स मोस्ट एम्प्टी कंट्री। स्वागत है मंगोलिया में। चाइना और रशिया, दो बड़ी डिक्टेटरशिप्स के बीच मौजूद है ये सुंदर सा खाली सा डेमोक्रेटिक देश मंगोलिया। अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर से, जहां देश की आधी पॉपुलेशन रहती है। सुबह के 5:30 बजे हैं और एक हेलीकॉप्टर यहां कहीं लैंड करने वाला है हमें लेने के लिए। तो लिटरली यही लैंड कर गया है। पूरी पैक हो गई है जैकेट में, लेकिन मेरे पास जैकेट नहीं है। हेलीकॉप्टर में इतना सामान आ नहीं सकता था, तो क्योंकि मुझे ड्रोन लेकर आना था, ड्रोन और कैमरे इक्विपमेंट की वजह से मैं बैग में ज्यादा चीजें पैक नहीं कर पाया। That's a very big area to keep stuff in the bag. Should I keep this? The traditional dresses. काफी बड़ा हेलीकॉप्टर है, आज तक शायद इस स्टाइल के हेलीकॉप्टर में हमने कभी ट्रैवल नहीं किया। मंगोलिया दुनिया की सबसे एम्प्टी कंट्री है, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन में 35 लाख से भी कम लोग रहते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी हुई सिर्फ 2 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। हेलीकॉप्टर एक एयरपोर्ट पे उतरा है, बहुत बारिश हो रही है और यहाँ एक्चुअली सिर्फ रिफ्यूलिंग होगी। मंगोलिया एक बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फ्रेश जूस दिया इन्होंने, कीवी का। ओह, दिस ऑप्शंस। इट्स अ बीटरूट जूस। व्हिच वन इज दिस वन? वापस निकल आया है तो बहुत ही बढ़िया नजारे देखने को मिल रहे हैं। फाइनली अब हम उतर गए हैं खुखनूर लेक पर। ऐसा लगता है कि लद्दाख में आ गए हो, जैसे वो पैंगोंग सो लेक नहीं होती 3 Idiots में दिखाई गई थी, वो वाली फीलिंग आ रही है। बस ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है और ऑल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है। दूर दूर तक इस हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये क्लिकिंग साउंड जो सुन रहे हो आप, ये चिक 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 चिक, ये ग्रेइश ब्लैक कलर के ग्रास हॉपर्स हैं। ठंड से बचने के लिए मैं अपनी जैकेट स्वेटर तो लाया नहीं। Yeah, it's in there. तो मैं ट्रेडिशनल मंगोलियन ड्रेस पहन रहा हूँ जो एक जैकेट का काम करती है। And there's a belt. These colors for girls. पता लगा मैं लड़कियों वाली ड्रेस पहन रहा हूँ। So unmanly. Like he got the belt and then he started laughing and I was like, what's wrong? You want me to get the big one? He was like, yeah, the thin one is for girls. आप शॉक हो जाओगे जानकर कि जो इंसान मुझे इस ड्रेस को पहनाने में मदद कर रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि मंगोलिया के मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड टूरिज्म है। सही सुना आपने,
इतने बड़े पॉलिटिशियन यहाँ इतने डाउन टू अर्थ हैं, यकीन नहीं होता। ठंड इतनी ज्यादा है, थोड़ा वार्म अप होने के लिए एक्चुअल वार्म अप करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, टूरिज्म मिनिस्टर हमारे साथ ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस पूरी ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है मंगोलियन गवर्नमेंट ने, और दुनिया भर से इन्होंने टॉप सोशल मीडिया क्रिएटर्स को बुलाया अपना देश शोकेस करने के लिए, ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। हमारे साथ इस ट्रैवल पर कई और सोशल मीडिया क्रिएटर्स मौजूद हैं, जैसे कि ये ब्रिटिश मैजिशियन जूलियस डीन, आपने इसके वीडियो शायद फेसबुक पर देखे हो, चिली का ये ट्रैवल क्रिएटर एलेंस थ्योरी, और जर्मन टर्किश क्रिएटर फ्रांसिस का। अब हम 4000 मीटर की हाइट पर आ गए हैं सी लेवल से ऊपर, ऑल्टीट्यूड काफी हो गया है, और इनकी एक बड़ी ही सेक्रेट और स्पेशल पहाड़ी, मंगोलियन लोग जिसकी पूजा करते हैं, पीछे आप देख सकते हो स्नो से कवर्ड है, वो होली साइट मानी जाती है यहाँ पे। और हमें वेलकम करने के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत से लोकल लोग भी आए हैं। थैंक यू। हैंडमेड मंगोलियन चीज, इट हैज अ वेरी यूनिक टेस्ट, और ड्राइड दही से इन्होंने ये बनाई है दूसरी चीज। द चीज इज वेरी टेस्टी, एक्चुअली चीज इज वेरी टेस्टी। Very good. रास्ते में हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई खेत वेत तो है नहीं, तो कोई सब्जियां उगने की कोई ज्यादा वो गुंजाइश नहीं है, ज्यादातर लोग मीट और डेयरी के सारे ही गुजारा चलाते हैं, इसलिए एज ए वेजिटेरियन खाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे मिलना शहर से बाहर निकलते, तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं मैं खा रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ उन्हीं से। मंगोलिया में 40 लाख से ज्यादा घोड़े हैं, यानी इंसानों से ज्यादा घोड़े यहाँ इस देश में आपको देखने को मिलते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि घोड़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है इस देश में। रीसेंट टाइम्स तक हॉर्सेस पे ट्रैवल करना प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा था यहाँ के नोमैडिक लोगों के लिए, और जो घोड़े की ये ब्रीड है मंगोलियन हॉर्स, ये चंगेज खान के जमाने से चली आ रही है। इंटरेस्टिंगली इंसानों ने घोड़ों की डोमेस्टिकेशन करना आज से करीब 6000 साल पहले शुरू किया था, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये बगल के देश कजाकिस्तान में शुरू हुआ था। एक घोड़ों के साथ सबकी ग्रुप फोटो कर रहे हैं, सब घोड़े पे बैठे हैं, और एक फोटो ये सबके लिए खींचेंगे। वेलकम टू मंगोलिया। घोड़ों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मंगोलिया इकलौता देश है जहां पर वाइल्ड हॉर्सेस पाए जाते हैं, यानी वो हॉर्सेस की स्पीशीज जिन्हें डोमेस्टिकेट नहीं किया गया है इंसानों के द्वारा। हम जब हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो नेशनल पार्क में कई वाइल्ड हॉर्सेस के ग्रुप हमें देखने को मिले थे। अब हम इनकी सेक्रेड पहाड़ी का एक टूर करते हैं थोड़ा सा। तो ये इनके भगवान है जिनकी पूजा करी जाती है, ये हैं इस सेक्रेट पहाड़ी के भगवान। एक छोटे से कैंप पे अब लैंड किए लंच करने के लिए, और ये टॉयलेट है यहाँ का। ओह माय गॉड, इट ऑलरेडी स्मेल्स अ बिट, दैट्स एन एक्चुअल होल, कम ऑन, क्लीन। ओह, दिस वन इज डिफरेंट, नॉट एवरी टॉयलेट इज अ होल हियर। तो यहाँ खाने में देखते हैं क्या मिला है, वेजिटेरियन में कुछ होगा। That looks good. Dried fruits और nuts तो हैं, उसके अलावा इन्होंने एक बड़ा अच्छा इंतजाम किया है यहाँ वेजिटेरियन डिश का, स्पेशली बनाई है जिसमें तोफू से बनाई है, ये तोफू है और आलू और चावल और ब्रेड भी है, तो काफी अच्छा इंतजाम है। ये कॉल आई थी सेंट्रल स्टेशन से कि जल्दी से हेलीकॉप्टर को निकाल लो, नहीं उसके अंदर फंस जाओगे। बिल्कुल बादल के अंदर से फ्लाई करना पड़ रहा है हमें।
हेलीकॉप्टर बहुत मिल रहा है। इससे पहले कभी इतना हिलता हुआ नहीं देखा मैंने, क्योंकि हम बिल्कुल बादलों के बीचों बीच है। पायलट को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लैंड कर ले। कोबी ब्राइट का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो खराब वेदर में होते हैं ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश।